नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लैंड में इस वक्त द 100 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक शानदार मैच देखने को मिल रहे हैं। जल्दी इसका फाइनल 21 अगस्त को खेला जाने वाला है। वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर सुनील नारायण भी इन दिनों ब्रिटेन में जारी द 100 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखा रहे हैं। नारायण ओवल इनवेंसिबल की ओर से खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट से दूर चल रहे नारायण शुरुआत से ही T20 लीग के बड़े नाम रहे हैं। हालांकि द 100 टूर्नामेंट 100 गेंदों का गेम है और क्या T20I क्रिकेट की तरह इसे देखना चाहिए, इस पर बड़ी बहस जारी है। इसमें ओवर भी 5 गेंदों का होता है, लेकिन ये गेम T20 क्रिकेट के काफी करीब है और सुनील नारायण ने T20 क्रिकेट में एक और नया मुकाम अपने नाम कर लिया है। 33 साल के नारायण वेस्टइंडीज के लिए 51 T20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक 52 विकेट हासिल कर चुके हैं। हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा लीग मैचेस में ही खेलते नजर आते हैं। नारायण T20 क्रिकेट में अब तक 400 विकेट हासिल कर चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के केवल तीसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने ये 400 विकेट 20.88 की औसत से चटकाए हैं। इस लिस्ट में उनके साथ वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रेवो 532 विकेट के साथ टॉप पर हैं। ब्रेवो ने यह विकेट 24.42 की औसत से निकाले हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के इमरान ताहिर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ताहिर भी द 100 टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। टूर्नामेंट में बर्मिंगम फिनिक्स की ओर से खेलते हुए ताहिर T20 क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा छू चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में अब तक 19.68 की औसत से 406 विकेट हासिल किए हैं। साथ ही वो द 100 टूर्नामेंट में अब तक 7 मैचों में 9 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसमें एक बार हैट्रिक भी शामिल है। ताहिर द 100 में हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। आपको बता दें, जल्दी सुनील नारायण IPL में खेलते नजर आएंगे। पिछले कुछ सीजन में सुनील नारायण के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। सुनील IPL में 124 मैच खेल चुके हैं और इस दौरान 130 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में उन्होंने शानदार खेल दिखाया और अब तक IPL में 902 रन बना चुके हैं। IPL 2021 के बचे हुए मैच 19 सितंबर से शुरू होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।